अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरियां इमामा है तेरा मिंबर तेरे अरशे बरी मिंबर तेरा अरशे बरी या रहमतुल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम मोहतरम? करी वसीम अरशद। आपकी तालीम? हाफ़िज़ कुरान, कारियुल कुरान और मैट्रिक। कितना अरसा हो गया माशाल्लाह इस मदरसे? मदरसा हमारा तकरीबन 2006-07 से है और इसमें हमने दीनी दुनियावी तालीम सन 2019 से शुरू की है। तो किस तरह शौक़ हुआ? अदर साहब ये शौक़ इस तरह हुआ है कि इल्मुल कुरान पढ़ते रहे पहले जी, फिर जज्बा था कि आगे भी इसको बढ़ाना है और साथ साथ में जब दुनियावी दीनी तालीम हमने शुरू की तो उसके साथ फिर महसूस किया वक्त के तकाजे के एतबार से दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। असरी एतबार से फिर हमने जामिया इल्म व इस्लाह में दीनी और दुनियावी तालीम देना शुरू की। बच्चों के वालदैन को शऊर है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक देहात है, दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वालदैन को शौक़ है, जज्बा है और वालदैन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशा रहते हैं। स्कूल का नाम क्या है? हमारे जामिया का नाम है जी जामिया इल्म व इस्लाह, इसी में स्कूल की और दीनी तालीम दी जाती है। अच्छा मोहतरम, ये बताएँ कि इलाके के मसाइल? इलाके के मसाइल में यह है जी कि लोग आजकल तो गुरबत की वजह से बहुत परेशान हैं क्योंकि देही इलाका है, किसान तबका है, तो ज़्यादातर लोग ज़मींदारा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं जी। अच्छा कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को? वालदैन के बच्चों को पैगाम यही है कि अपने बच्चों को मेहनत मशक्क़त करके पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो आने वाला उसका मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जी। बच्चे जितनी अच्छी तालीम हासिल करेगा जी, कल को बशऊर पाकिस्तानी बन के उभरेगा। बच्चों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए, हालात और मामलात कैसे ही क्यों ना हों, बच्चों की तालीम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह अल्लाह पाक कुरान में कि मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना माल उसरी उसरा फ़इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक परेशानी के बाद ही आसानी है जी। थैंक यू सर।